हर शाम को यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और शानदार मुजहरा देखने को मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डाउनटाउन दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने, और यहाँ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ बुर्ज खलीफा डांसिंग फाउंटेन शो या दुबई फाउंटेन शो। तो दोस्तों, दुबई फाउंटेन शो जो है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कोरियोग्राफिक डांसिंग फाउंटेन शो है, जो कि दिन के वक्त भी होता है और रात वक्त के वक्त भी होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों दिखाने वाला हूँ, यानी कि दिन के वक्त वाला भी और रात के वक्त वाला भी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो शाम का जो शो था, रात वाला शो जो था, वो वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, इस वक्त दुबई डांसिंग फाउंटेन शो जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरियोग्राफिक डांसिंग फाउंटेन शो है। ये बुर्ज खलीफा के सामने जो बुर्ज खलीफा लेक है, जो 30 एकड़ पर फैली हुई है, उसके अंदर हज़ारों की तादाद में फवारे यानी फाउंटेन और लाइटें लगी होती हैं, उनकी मदद से ये होता है। और इसे कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी है, वो इसे मेंटेन करती है, उन लोगों ने इसको बनाया है। और ये वही कंपनी है जो कि लास वेगस में जो बलीगियो होटल है उसके बाहर सामने जो लेक है जिसमें ये डांसिंग फाउंटेन शो होता है, वो भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बुर्ज खलीफा के सामने जो फाउंटेन शो होता है ये दुनिया का पहला फाउंटेन शो है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुर्ज खलीफा से पहले लास वेगस का जो शो है वो पहले वो हुआ करता था, वो पुराना है इससे। और बुर्ज लास वेगस का जो बलेगी होटल है उसका जो फाउंटेन शो है उसको देख कर यहाँ बुर्ज खलीफा के सामने दुबई में ये फाउंटेन शो जो है ये लेक बनाई गई थी। तो इस वक्त वैसे दुनिया में बहुत सारी जगहों पर फाउंटेन शोज होते हैं, मकाओ में भी होता है, दुनिया के बहुत सारी जगहों पर भी होता है, पाकिस्तान में दो तीन जगहों पर, बहरिया टाउन में या यहाँ मेंटू पार्क में ये बन चुका है। लेकिन बुर्ज खलीफा डांसिंग फाउंटेन शो दुबई वाला जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन शो है, जो पीछे शुरू हो चुका है। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा जो फवारे हैं उनका डांस आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको एंजॉय कीजिए। दोस्तों, दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो फाउंटेन शो है ये कोरियोग्राफिक होता है, यानी जब भी इसका शो होता है 3 मिनट का जो शो होता है, हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद, उसके साथ म्यूज़िक चलता है। तो उसमें बॉलीवुड के सॉन्ग भी चलते हैं, उसमें वेस्टर्न म्यूज़िक भी चलता है मुख्तलिफ ज़बानों में, इंग्लिश या दूसरी ज़बानों में, और अरबिक म्यूज़िक भी चलता है। तो वो सारे का सारा म्यूज़िक कॉपीराइटेड म्यूज़िक होता है, तो वो मैं आपको इसमें नहीं सुनवा सकता। मैं इसके ऊपर अपना म्यूज़िक जो है वो ऐड करूँगा, जैसे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये जो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये यूट्यूब के लिए है। अगर मैं कॉपीराइटेड म्यूज़िक सुना इसमें आपको ऐड करूँगा तो मुझे कॉपीराइट की स्ट्राइक या क्लेम आ सकता है, तो इसलिए इसके ऊपर मैं अपना जो अलग से म्यूज़िक नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक वो ऐड कर रहा हूँ। आपको बॉलीवुड का या वेस्टर्न म्यूज़िक सुनने को नहीं मिलेगा। इस वक्त जो दिन के वक्त का शो चल रहा है इसके इसमें वेस्टर्न म्यूज़िक का गाना चल रहा है, वो भी आपको मैं नहीं सुनवा सकूंगा। और जो शाम का शो था उसमें हॉलीवुड बॉलीवुड का एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी गाना था वो चल रहा था, तो मैं दूसरा म्यूज़िक ऐड करूँगा। तो आप शो को इन्जॉय कीजिए। जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, मार्वलस, ऑसम। अभी आपने देखा डांसिंग फाउंटेन का खूबसूरत मुजाहरा, ये दिन के वक्त भी होता है और शाम के वक्त भी होता है। आपने इसको यकीनन एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, अभी आप रात के वक्त का शो देख रहे हैं, जो दिन के वक्त का शो था उसके लिए मैं खड़ा था बुर्ज खलीफा के सामने, और अभी शाम के शो के लिए मैं आया हूँ
यहाँ दुबई माल वाली साइड पे, यहाँ से नज़ारा ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। वैसे भी जो दिन के वक्त का शो था उसमें सिर्फ पानी और फवारे नज़र आ रहे थे, और अभी रात के वक्त का शो जिसमें क्योंकि लाइटनिंग भी ऐड हो गई है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप इसको इन्जॉय कीजिए, और जो हिंदी गाना था जो बॉलीवुड का, उसकी तो क्या ही बात थी। Thank you.